उत्तराखंड के अल्मोड़ो से एक बड़ी खबर आ रही। यहाँ के द्वारा हाट विकास खंड मल्ली मिराई के तोक भौरा में सब लोग डरे सहमे हुए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गुलदार ने आज 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पानी का नल ठीक कर रहे युवक और 2 महिलाओं पर सरेआम गुलदार ने हमला किया। 3 लोग इस हमले में घायल हो गए। एक महिला और एक युवक को ज्यादा घाव वाले थे, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि तीसरी घायल महिला को गंभीर चोट आई है। दरअसल पूरा मामला विकास खंड के मल्ली मिराई के तोक भौरा का है। शाम करीब 4 बजे सुमित कुमार अपने मकान के नजदीक पानी का नल ठीक कर रहा था, जबकि उसकी माँ पुष्पा देवी और पड़ोस की महिला बच्चुली देवी बगल में खड़ी थी। तभी जंगल की ओर से बस्ती में घुसे गुलदार ने अचानक सुमित पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहाँ हंगामा मच गया। जब उसे बचाने की कोशिश में दोनों महिलाएं आई तो उन पर भी गुलदार झपट पड़ा। हमले के दौरान गुलदार ने बच्चुली देवी को दूर फेंक दिया, जिस कारण उसकी आंख, हाथ, सिर में गंभीर चोटें आई है। वहीं सुमित का गुलदार ने दाया हाथ ही फाड़ डाला, जबकि उसकी माँ पुष्पा देवी की पीठ में गहरे दांत लगे हैं। चीख पुकार सुन गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गांव में दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में भय का माहौल है। गांव वालों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि क्षेत्र में गुलदार के लंबे समय से आतंक की सूचना वन विभाग को दी गई, मगर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, वन विभाग का कोई व्यक्ति क्षेत्र में झांकने तक नहीं पहुंचा। गांव वालों ने घायलों को तत्काल मुआवजा देने और पिंजरा लगाकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।